कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में 129 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये नियुक्ति जेपीएससी की ओर से की जा रही है और झारखंड गठन के बाद कृषि विभाग में इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच 1 जून की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में 129 कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जेपीएससी के माध्यम से इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। कृषि विभाग इस नियुक्ति को लेकर बेहद उत्साहित है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि झारखंड गठन के बाद से इतनी बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया कभी भी संपन्न नहीं हुई है। राज्य सरकार जो झारखंड बनने के बाद, इवन उसके पहले भी कई सालों से कृषि विभाग में नियुक्तियां नहीं हो रही थी और हमारा जो नीचे लेवल पे जो स्पेशली जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर पदाधिकारियों का काफ़ी कमी महसूस कर रहा था, जिसके चलते हम लोग प्रयास किया जो उसका जो भी सरकारी जो प्रोसेस प्रक्रिया अपनाते हुए जेपीएससी से फॉलोअप करके हम लोग को 130 आदमी का जो बेसिक ग्रेड पर नियुक्ति का अनुशंसा प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी तादाद में पदाधिकारियों की नियुक्ति कृषि विभाग की जरूरत थी। जिस तरह से किसानों और पशुपालकों के बीच सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उनकी निगरानी के लिए जमीनी स्तर पर पदाधिकारियों की कमी थी। तो हमारा जो मेन काम करने वाला लोग तो जिला में फील्ड में रहता है, उसका काफ़ी कमी महसूस हो रहा था। ये आने पर हमारा सिस्टम में काफ़ी बूस्ट मिलेगा, स्पेशली हमारा BTM, ATM, उद्यान मित्र, कृषि मित्र, किसान मित्र, ये सब है, वो सबको कार्य को देख रेख करना, उसको मॉनिटर करना और सही समय पर जिला स्तर पर कार्यों का ऑर्गेनाइज करने में इनका काफी सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि प्रत्येक विभाग में अधिकारियों की कमी दूर की जाएगी, युवाओं को वैकेंसी निकाल कर उनकी उचित योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। अब शायद मुख्यमंत्री का आश्वासन धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। 1 जून का ये कार्यक्रम इस सिलसिले में एक बड़ी पहल है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।